सुबह का फीलिंग होगा यस डेफिनेटली इश्क है मैं आई आई लव टू इंट्रोड्यूस अबाउट माय गर्लफ्रेंड राइट नाउ इफ यू विश टू सी हुम आई लव द मोस्ट सो आई हैव वन स्लैप बैक माइक सी द टैटू स्लैप बैक माइक दैट वाज गिफ्टेड टू मी इन सैन फ्रांसिस्को जो एल्विस प्रेस्लिक के जो सिक्स माइक्स थे वन वॉज गिफ्टेड टू मी स्टैंड पर होता है तो उस वक्त वो मेरी महबूबा होती है लोग बोलते इतना चूमता है तू बाइक को इतना चूमता है मैंने कहा इसके थ्रू भी मैं आप तक पहुंचता हूं अपने पैशन के थ्रू भी पहुंचता हूं टेक्निकली मैं इसके थ्रू भी पहुंचता हूं तो ये मेरा इश्क है ये मेरी महबूबा है और उसको मैं बहुत चिपकता बहुत फ्रट करता हूँ और कॉन्स्टेंटली गाता हूँ फिर तो ये देखिए मैं रिवील कर दिया पीपल हाइड बट आई आई सेट क्लियरली दैट आई हैव माई द बेस्ट लवर सो उसके साथ ही मेरे को इश्क है जो मेरे पैशन को टेक्निकली जो है वो रंग लाता है और स्टूडियो में भी इनसाइड स्टूडियो में भी सो so, इस आ, शायद मैं नहीं कहूँगा कि आपने उसे कैप्चर किया होगा मोमेंट को तो पहले आके हम जैसे कहते हैं इबादत करते हैं सचदा करते हैं प्रार्थना करते हैं मैं पहले अपना माथा उसके चरणों में रखता हूँ बाइक के और लेट के शास्त्रांग प्रणाम बोलते हैं ना वैसे मुझे अदब अच्छा लगता है इन चीजों का तो वो उनको भी फिर मेरे पे थोड़ा तो तरस आता ही है अच्छा बेटा चल गाले ये गाने में आपको क्या अच्छा लगा? बिटवीन माय डियर फ्रेंड यू नो विद सच काइंड ऑफ वॉइस जो मोटिवेट भी करती है तो स्टार्टेड फ्रॉम चक हो, कर करहर मैदान फतेह सिंगम uh, दबंग टाइगर है सो एक दिन मैंने इसको भी अभिनव की बोला तो मैं जस्ट जस्ट जस सी माय मोबाइल तो इनकी एक एक मैंने पहले गाना गाया था सो वॉज सरप्राइज कि मोबाइल क्यों दिखा रहे पहले कैसे तो मोबाइल पे देखा कुछ तस्वीरें कुछ फोटो कुछ पेंटिंग्स कहते आप तो बहुत लविंग फीलिंग वाले हो ये तो बड़े हैं, हम तो बोलते थे तो बड़े कोई उस्ताद जी होंगे कोई लेजेंड होगा तो बड़े चैप्टर हो यार <laughs> तो मैं ऐसा एक गाना चाहिए रोमेंटिक सेम थिंग आई हैव आई है सम अदर कंपोजर ऑफ हु दर माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स सो नाउ वो अगेन वंस अगेन इट हैज़ बिन स्टार्टेड तो इनका गाना बहुत अच्छा है मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा इज द कंपोजर अभिनव तो ये एक नोवेलिटी है आई स्टार्टेड वर्किंग विद द मिस्टर रमान इन चेन्नई तो चाहे कितना भी इलेक्ट्रॉनिक क्यों ना हो कितने भी म्यूजिक प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट क्यों ना हो बट दिल जरूर है वो उसमें दिल हमारे कितने भी मॉडेस्ट लाइक वी सी दिस दिस काइंड ऑफ मशीन्स सॉफ्टवेयर अलग हैं इसमें बहुत फैसिलिटीज हैं पर वो कहता है कि मुझे दिल दोगे तो तो मैं तुमको मैं रिजल्ट दूंगा तो दिल तो हर किसी को चाहिए इस गाने के लिरिक्स बहुत ब्यूटीफुल हैं बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अर्दी है कंपोजिशन सूफी आना और आपने वो कंपोजिशन और लिरिक्स को उठाया उनमें जान फूंक दी आई एम थर्ड कैरेक्टर ऑफ एवरी सॉन्ग मैं तीसरा पात्र हूं हर गाने का मैं तीसरा पर्सन हूँ ये क्लियर है आई कैन नेवर कंसिडर माई सेल्फ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द सॉन्ग आई एम नॉट एट ऑल मैं हमेशा हर गाने का जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज दी जाती है इफ़ समन कंसिडर मी टू सिंग देयर सॉन्ग्स सो एम आई कंसिडर माई सेल्फ दैट आम द थर्ड पर्सन बिकॉज आई नो दैट आई कंपोज समाइम आई नो द वैल्यू ऑफ कंपोजिंग द सॉन्ग कम्पोजिंग द पोइट्री आई नो एक शायर कैसे तसवर करता है इमेजिन करता है कैसे शब्दों को लिखता है फिर डायरेक्टर के सामने फिर डायरेक्टर उनको कुछ चेंजेस भी करने को बोलता है या क्विकली भी एक्सेप्ट किया जाता है या पहले से नरेशन दे रखी होती है फिर म्यूजिक डायरेक्टर उसको कंपोज करता है फिर कुछ सुजेशंस आती ओपन सुजेशंस उसमें एक्सेप्टेंस होनी जरूरी होती है और करती हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पैटर्न है चेंजेस होते हैं वी आर वी आर वी आर ऑल वेरी कंस्ट्रक्टिव माइंडेड वी डोंट डोंट स्टॉप आवर थॉट्स शूटिंग पे पहुंचते पहुंचते भी कुछ चीज़ें नहीं हो जाती है। उसके बाद बारी आती है जब गाना तैयार हो जाता है म्यूज़िक हो जाता है लास्ट में मेरी बारी आती है सो आई कंसिडर कि मैं मैं थर्ड पर्सन हूँ बट मेरी कोशिश होती है कि मैं लास्ट भी हूँ उसके बाद फिर वो किसी को कंसीडर ना करे कि ब, ब, बस खत्म हो गया उसके बाद गाना रिलीज हो जाए इस गाने में भी वैसे ही तो हाँ। कुछ तो कहिएगा मतलब वो हुआ इतने different, different में हाँ। कि हमें भी इश्क हुआ था जो खुद दीवाना नहीं वो दूसरों को दीवाना कर भी नहीं सकता पक्की बात है आपके अंदर मौज नहीं है ना आप तो लोगों को भी मौज नहीं चढ़ेगी आपकी। आप ही दीवाने नहीं हो तो लोग कैसे दीवाने होंगे तो ये अवर वर्क इज नॉट जस्ट अ हार्ड वर्क इट कैन बी स्मार्ट वर्क बट उसमें शरीर हमारी कमिटमेंट हमारे वादे जो भी हैं वो भले बहुत तेज़ तरह रहते हैं पर अंदर एक जो फ्रेग्रेंस है जो एक दीवानापन है वो वो बहुत है, वो बहुत रिलैक्स्ड रहता है बहुत शांत एकदम से क्योंकि उन्हीं चीज़ों को समझना होता है ना उसको तो वो अग्रेसिव मोड पे नहीं होता हमारी बॉडी लैंग्वेज पे हम मस्ती करते फन करते हैं हम वहाँ जाना है जाना है रिकॉर्डिंग है तो जिम्मेदारी वाला काम तो है बट कहीं से भी से हार्ड वर्क नहीं जैसे मैं एक बहुत एक रिस्की सेंटेंस है जो बहुत से लोगों हो सकता है नहीं एक्सेप्ट कर सकेंगे बट मैं अपना मशवरा रखना चाहता हूँ मैं काम सीरियसली नहीं करता कभी क्योंकि मैं सेंसियरली करता हूँ सीरियसली नहीं सीरीसली हो सकता है सीरियस पैटर्न मुझे पसंद नहीं है सन्सियर पैटर्न मुझे पसंद है मुझे मौज मस्ती में काम फ्रेंडली दोस्ती मस्ती वैन आई मीट माई डायरेक्टर्स आई शेक कैंड आई हक देम अगर डायरेक्टर लड़की हो तो भी मैं ऐसा नहीं फिर मैं शेक कैंड ही करता हूँ हाँ नहीं फिर ऐसा महीने में दस बार जाना कितनों को हक करोगे सर नहीं ऐसा नहीं तो फिर मुझे इश्क हुआ वो वाला चक्कर ना ना हो जाए हाँ हाँ तो इसमें आरती हमारी जो हैं तो मैं जब इनसे मिला तो एक तो इसका कंटेंट फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है पहली बार वर्ल्ड में काइट्स कंपटीशन है फ्लाइंग काइट्स का कंपटीशन है और मैं मेरा बर्थ श्री अमृतसर साहब का है जो जहाँ पे कहते हैं कि लोहड़ी के दिन कम से कम नहीं मोर देन फिफ्टी से सिक्सटी लाख पतंगे एक साथ आप आकाश में दे सकते हैं तो उसको तीन शब्दों से पुकारा जाता है शर्तें भी लगती हैं उस दिन उस दिन आ, आ, बाजी भी बोलते बाजी लगाना है ना और आ, वो बहुत ही मजेदार होता है लेकिन पर्दे पे पहली दफा लेके आए कोई तो मैं जब गाना थोड़ी देर जब लिखा जब मैंने जब गाना लिख रहा था तो मुझे एक बात बड़ा चार्म था कि यार आज हीरोइन मेरे को गाना लिखा रही है तो मैं पूछा उनको कि मैंने कहा योर शूटिंग इज़ डन तो इन्होंने एज ए प्रोड्यूसर बोला कि यस इट इज़ डन तो मैं कहा कैसा तजर्बा रहा तो वो भी उन्होंने कहा कि ठीक है बहुत अच्छा रहा वी आर हैप्पी विद द फिल्म तो मैंने कहा आपके अपोज़िट कौन है? तो तब समझी समझिए तो फ्लट कर है यार ये तो मेरे को ये तो हीरोइन के साथ फ्लट कर है तो उन्होंने बोला कि मैं प्रोड्यूस कर मैं बट अदरवाइज आई एम एन एक्ट्रेस तो थोड़ा मेरा मूड खराब हुआ लेकिन देखो तो पहली दफ़ा मुझे लगा फिल्म की हीरोइन मुझे गाना लिखवा रही है मतलब लिखवा लिखा लिखा किसी और का है लेकिन वो नरेशन भी बता रही है तो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर स्वीट हार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है आप बीस के हैं पच्चीस के चालीस के सत्तर के उस वो बिना वजह के वहम है दोस्ताना सलूक फ्रेंडली लविंगली कलरफुल मजा आता है काम करने का तो एक बार फिर मुझे इश्क हुआ है दोबारा अभी मैं क्या करूं अब हुआ तो हुआ है अगर दोबारा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ और ऐसा इश्क अभी होता रहेगा बिकॉज आई हैव स्टार्ट रिसीविंग कॉल्स फ्राम फिल्म इंडस्ट्री पीपल आल्सो कहते सही बात है यार तू जब हौले हौले से हवा लगती है क़यामत कयामत भी सुना था तो हमने कहा कि ये मतलब हर जॉनर को इश्क करता है जो उस मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाती है उसे मैं सिंसियरली करता हूँ पर माहौल मस्ती का होना चाहिए ये बहुत इनका अलग एक जॉनर है ये हर किसी का एक तरीका होता है काम करने का कंपोज करने का तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर को कभी डोमिनेट नहीं कर सकता वाई डायरेक्टर ने उनकी धुन को उनकी कंपोजिशन को पसंद किया है प्रोड्यूसर को भी पसंद है टीम को भी पसंद है तो मुझे पता है कि कई रास्तों से निकल के आया है गाना तो उस वक्त थोड़ा बहुत हम खेलते हैं सो स्वीट so मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री का तह दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो कभी कभी मुझे मौका देते हैं कि सुखी भाजी आपके मन पाजी तो मुझे अभी मेरे मेरे फ्रेंड भी बोलते हैं सारे पाजी बोल देते हैं मैं किसी को बता मैं कह इसका यार इसका नाम मतलब ब्रदर होता है तो वो थोड़ा ध्यान रखना अच्छा हमको तो पता ही नहीं था हम तो कब से आपको भाई, भाई भाई बोल लेते फिर मैं क्या फिर हो गया भीडियो क्यों मारते फिर हाय डार्लिंग भी और भाजी भी

थोड़ा वहम हो गया था आदत के साथ साथ कि हर चीज लार्जर होनी चाहिए हर चीज बड़ी बड़ी होनी चाहिए तो वो थोड़ा उस सोच में फैट आ गया था वो फैटी हो गई थी यानी माइंड में एक ये नहीं रहा कि एक ऐसा भी मिजाज होता है कि जो हल्का सा छोटा सा एक फूल देखा होगा आपने बागीचे में कितने रंग होते हैं अट्रैक्ट कर लेता है अट्रैक्ट कर लेता है तो छोटी छोटा सा पंखुड़ी के जितना होता है वो लगे होते ना बागीचे में तो वो अट्रैक्ट कर लेता है ऐसा लगता है कि कोई सुबह सुबह या रात को रात भर बैठ के उस पर पे पेंटिंग करके गया सत्तर किस्म के रंग होते उतने से ही फूल में तो इनका जो स्टाइल है अभिनव का वो वो ऐसा है कि जैसे आंख बंद करके सुई में धागा डालना तो वो उस उसको भी एक्सेप्ट करना होता है उसमें रमना होता है तो उसका फिर जब लिखते हैं गाना तो पोइट्री जो है वो ऑलरेडी सिचुएशन को नरेट कर रही होती है फिर बस यहाँ वहाँ थोड़ा देख लेते हैं तो मूड बन जाता है अपने <laughs> 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 बचपन में पतंग उड़ाया बहुत बहुत यहाँ पर एक वो पंजाबी मतलब चीरा चीरा जो है <laughs> पतंग उड़ाता तो मैं पतंग का बल्कि ये मेरा थर्ड सॉन्ग हो जाएगा पहला था 1947 अर्थ में रुत आ गिरे <laughs> सेकंड था उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग एंड दिस इज द थर्ड वन इसी बात पे गाने के कुछ बोल आपसे ना सुने तो कैसे होगा इनके साथ ही कहेंगे मुझे हुआ है हाँ मुझे हुआ है म्यूजिक डायरेक्टर <laughs> तो अभी अभी क्या है ना मैं बैठे बैठे समाचार पत्र हो गया हूँ <laughs> वो उसका वो, वो स्पीकर तो ऐसा भी दिखाई देने लगा कि सुनाई भी देने लगा कि ये दूसरे को मौका ही नहीं दे रहा <laughs> बस हाँ खुद ही इज्जत किया उनको भी करने दो Hmm. तक, तकने से तुझको मुझे इश्क मिलता है तकने कितना अच्छा शब्द है आम भाषा का तकने से तुझको मुझे इश्क मिलता है चरखा अतरंगी सांसों में चलता है <laughs> चरखा सत चरखा अतरंगी सांसों में चलता है ओ तकने से तुझको मुझे इश्क मिलता है मुझे इश्क हुआ है हाँ मुझे इश्क हुआ है हुआ है अब हुआ है तो हुआ है क्या मजाक सुपर हुआ थैंक यू वेलकम मुझे इश्क हुआ है हैज बीन अ होल जर्नी when we made it it was very simple song like just very folkish very earthy and very very like gaon wala feel thoda sa thoda sufi thoda gaon ki baat hai and then slowly slowly wo usme aur cheeze add hoti gayi then sameer jo director hai uske उन्होंने कुछ अपने perspective दिए आरती told me few things कि कुछ ऐसा सकते कर सकते हैं ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं then me and Neeraj हु is lyricist of the song we सेट together and we made few changes and we incorporated those feedback and initially it was a very simple very folky idea it's a very very simple melody very folkish very traditional very conventional but it has certain beauty certain nuance

क्या, चोला जो है उसने ओढ़ा है तो थोड़ा गांव और थोड़ा बड़ा शहर उसके बीच का जो एक कॉम्बिनेशन है वो आई थिंक दैट वाज द प्राइमरी आइडिया फॉर द सॉन्ग दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि थोड़ा ट्रेडिशनल है थोड़ा फ्रेशनेस है सो so, या yeah.

Simple as possible. The uh, mood is Sufiana, <laughs> yeah, the it is. Already, and somewhere uh, you, uh, have that cross between village and uh, you know the way you rise in love. Correct. So how did you actually achieve this combination? It's not easy, no. That's where Paji comes into the picture. <laughs> <laughs> so we never thought about like we the question which you put nah, We had that idea in our head that we need to bridge that gap. But when Paji came into the picture that he'll be singing the song, everything, we forgot everything. And when he the, sang the song, he gave so many colors. And the way he bridged both, both the things, both the gaps, it was so beautiful that after he sang, I didn't even think about anything else. That this was missing, missing, I need to do this.

सांसों में चलता है जिक्र जब तेरा गैरों ओठों चढ़ता है तेरी ही फिक्र में क्यों गुजरता है मुझे इश्क हुआ है कुछ रंग हुआ है दम दम में मज़ा है मुझे इश्क हुआ है मुझे इश्क हुआ है

अभिनव नहीं होता तो ऐसा गाना निकलता नहीं क्योंकि ना मैं तो ये मानता हूँ कि मत, आप कई तरह से लिख सकते हैं गाना मतलब है ना और काफ़ी हद तक ये आपका मतलब टीम वर्क होता है और अभिनव आ, वैसा वाला है जो मतलब जल्दी से खुश नहीं होता तो है ना उसको ये भी मालूम है कि नीरज भाई मेरे को यहाँ पे ई की मात्रा चाहिए आ नहीं चाहिए ए नहीं चाहिए ई चाहिए, चाहिए यहाँ पर ई की मात्रा में करूँ तो वो अपना गेम जानता है तो अच्छी बात है ऐसे जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो तो अपने आप हाँ काम अच्छा निकलता है इसमें कोई नहीं है। तो एक अच्छा है, तो लेकिन उसकी जो, मतलब जो प्रोसेस है गाने का होता है जनरली जो मतलब कम से कम मैंने 90, 95 जो काम किया है उसमें पहले कॉम्पोजिशन होती है तो एसेंस उसके अंदर पहले डाल दिया जाता है आपको पता है कि ये देसी गाना है ये देसी कॉम्पोजिशन है और इसमें इस तरह के शब्द आएंगे अब अगर आप कोई वेस्टर्न उस पर काम कर रहे हैं तो उसमें उस तरह के शब्द आएंगे। तो अ, मतलब वो कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन में ही छिपा होता है कि इसमें शब्द कैसे आएंगे। मतलब कि देशज शब्द शब्द आएंगे उर्दू शब्द ज़्यादा अच्छे लगेंगे अब अगर है ना कोई देशभक्ति गाना मेरे को लिखना है तो काफ़ी चांसेस हैं मैं हिंदी के जो आ, हिंदी वाले शब्द हैं वो यूज़ करूँगा अगर मेरे को सिडक्टिव गाना है ना लिखना है तो काफ़ी चांसेस हैं मैं उर्दू वाले शब्द यूज़ करूँगा क्योंकि उसमें वो वो वाला फील है उर्दू में ना वाली चीज़ होती है नाजुकता जिसे आप बोलेंगे अब मेरे ख्याल से ना ऐसा कोई वो नहीं होता कि सुफियाना गाना है तो इसमें ये नहीं फिट हो सकता और मेरी जो अप्रोच होती है जनरली लिरिक्स के मामले में उसमें इमेजरी बहुत स्ट्रांग होती है और मेरा विजुअल सेंस वैसे भी बहुत स्ट्रांग है और मैं उसे बहुत ज्यादा यूज भी करता हूँ कि हाँ मतलब ठीक है एक लाइन में इमेजरी एक लाइन में इमोशन एक लाइन में इमेजरी एक लाइन में इमोशन इस तरह से चला जाए तो आपने पूछा ये कहाँ से आए? मतलब तो हाँ मतलब मेरे को ये नहीं मैंने इसे ऐसे तो सोचा ही नहीं कि ये सूफ़ी है और इसमें ये नहीं आ सकता मतलब आ सकता है क्यों नहीं आ सकता क्योंकि मतलब आप जब सूफ़ी बोल रहे हैं तो सूफ़ी मैं लिरिक्स जो अगर आप कहना चाहें तो वो लवर के लिए ही लिखे जाते हैं उसमें वो खुदाए लवर है ना उनकी बात हो रही है और वो काफ़ी हद तक स्परिचुल लव होता है तो आ, मतलब आ, लेकिन स्परिचुल लव भी आपको चीज़ों के थ्रू ही है ना जाहिर करना होगा ना मतलब है ना अगर आप अब मैं खुदा को तो है ना माला पहनाता हूँ लेकिन जिसको मैं प्यार करता हूँ वो अंगूठी पहनती है वो बालियाँ पहनती है और अब मैं उसे सीधे इनफैक्ट है ना मेरे को जब हम जब शुरू में गाना कर रहे थे तो अभिनव ने मेरे को बोला कि मेरे को तो ये लाइन चाहिए मुझे इश्क हुआ है मुझे इश्क हुआ है के साथ ये आया था मैं जिस तरह का लिरसिस्ट हूँ मैं अपने अगर मैं लव सॉन्ग लिख रहा हूँ तो मैं उसमें प्यार इश्क और मोहब्बत ये तीन शब्द तो आएंगे ही नहीं अगर प्यार और इश्क और मोहब्बत के बारे में गाना है तो ये ही नहीं आने चाहिए और बाकी बाकी सब कुछ आ जाए अगर सॉन्ग है तो उसमें राहें मुसाफिर और मंजिल है ना ये शब्द ना आए और आप उसे शो कर सको वो ज्यादा बेहतर जगह है लिखने के लिए तो आपको गाने से इश्क़ कैसे हुआ? और आपने लिरिक्स कैसे लिखे? देखिए हम हमने है न तीन या चार ड्राफ्ट्स लिखे होंगे मतलब है ना और हमने बड़ी अच्छी अच्छी लाइंस है ना किल करी यहाँ तक पहुँचने के लिए और जब हम उन्हें किल कर रहे थे तो हम ये भी सोच रहे थे कि ये अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम है ना मतलब है ना आगे जो कुछ भी आने वाला है हमें नहीं पता क्या पर धीरे धीरे वो शेप अप होता गया सब कुछ और हम मैंने भी रियलाइज़ नहीं किया कि ये पूरा गाना चीज़ों के बारे में हो गया है मतलब है ना दरीचा भी आ गया अंगूठी आ गई और है नो क्या बोलते हैं बालियां आ गई है ना है ना हाँ तो वो धीरे धीरे प्रोसे मतलब ऐसा इंटेंशनल नहीं था कि हम चीज़ों के बारे में लिखे लेकिन जब वो पहला एक है मुखड़ा से शुरू हुआ तो वहाँ पे एक चीज़ आई फिर है ना सेकंड पे आए तो फिर वहाँ पे दूसरी चीज़ आई तो वो इस तरह से अपने आप आता गया Uh, चीज़ें मतलब देखो कुछ गाने होते हैं जो आपको है ना शुरू में ही फील आ जाता है कि ये तो बहुत अच्छा गाना है तो है ना ये वैसे वाले गानों में से था कुछ गाने होते हैं जब निकलने के बाद पता लगता है कि है ना हाँ यार पब्लिक पसंद करिए हमें पता नहीं था ये इतना अच्छा गाना निकलेगा तो इसमें तो हमें मालूम था मतलब है ना कि इसमें सब कुछ ही है ना एकदम करेक्ट है मतलब तो ये इसमें गलती नहीं हो सकती तो मतलब मुझे इश्क हुआ भी इसमें है, उससे आप नहीं है। <laughs> आ, अब नहीं है क्योंकि फिर मेरा जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ठीक है मतलब बॉलीवुड वगैरह में कमर्शियल राइटिंग और कमर्शियल है न चीज़ें सिंपल है ना भाषा में बात हम लोग है ना आइडिया ढूंढ रहे होते हैं और मैं एडवर्टाइजिंग के बैकग्राउंड वाला आदमी हूं तो है ना मैं इतना सिंपल लाइन जल्दी से है ना एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक कि उसमें कोई आइडिया ना हो तो आ, आपने बोला फिर कैसे हुआ तो आ, फिर ये हुआ कि बाकी सारी लाइंस मैंने कॉम्प्लिकेट कर दी और एक सिंपल लाइन रखी मैंने ठीक है यही रही तो मैं ये चीज ये ले लो लेकिन बाकी लाइंस में हमने कारीगरी करी उसमें वन यू लाइक अमंग योर ओन लाइंस अंगूठी नाप से छोटी मैं अंगूठी बनू फ्रेश भी है बाकी चीजों में फिर भी है ना मेरे को अब भी लगता है कि हम और चीजें ना ढूंढ सकते थे और और है ना उसको कुछ कर सकते थे छोटी हाँ मैं अंगूठी बनू ना, ना

अटकूंगा निकलूँ ना उंगली में